लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने कांग्रेस नेता शशि थरूर को समन जारी किया है। कोर्ट ने शशि थरूर को 7 जुलाई को पेश होने के आदेश दिए हैं। पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की तरफ से दायर चार्जशीट पर सुनवाई करते हुए कहा कि शशि थरूर पर केस चलेगा। इस चार्जशीट में पुलिस ने थरूर को आरोपी बनाने की दलील दी है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक सुनंदा पुष्कर ने अपने पति शशि थरूर को एक ही मेल में मरने की इच्छा जताई थी। सरकारी वकील अतुल श्रीवास्तव ने कोर्ट में कहा है थरूर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। सरकारी वकील श्रीवास्तव ने 28 मई को हुई सुनवाई में पुष्कर के थरूर को भेजे गए ईमेल की लाइन पढ़ी, जिसमें लिखा था कि मैं जीना नहीं चाहती हूँ, मैं बस मरना चाहती हूँ। उन्होंने अदालत को बताया था कि पुष्कर की मौत जहर से हुई थी। बता दें, दक्षिण दिल्ली के लीला होटल में 17 जनवरी 2014 को सुनंदा पुष्कर मृत पाई गई थी। इससे कुछ दिन पहले पुष्कर ने अपने पति शशि थरूर पर पाकिस्तान की एक पत्रकार के साथ प्रेम संबंध का आरोप लगाया था। कांग्रेस नेता शशि थरूर और सुनंदा पुष्कर की प्रेम कहानी 2009-10 के दिनों में काफी सुर्खियों में थी। इन दोनों की शादी 2010 में हुई थी।